Worksheet 4, question number 1, the 5th part. Minus b plus 3c ka whole square. हम identity लिखेंगे पहले अपनी. ये पूरी worksheet जो है इसी identity base है. Plus b plus c ka whole square, plus b square, plus c square, plus 2ab, plus 2bc, plus 2c. क्वेश्चन उतारा है आपने माइनस टू ए माइनस बी प्लस थ्री सी का होल स्क्वायर. ए है बस माइनस टू ए, बी माइनस बी, सी है थ्री सी. ए का स्क्वायर किया माइनस टू ए का होल स्क्वायर, बी माइनस बी का स्क्वायर और सी है थ्री सी का होल स्क्वायर. प्लस टू ए बी, टू ए माइनस टू ए, बी माइनस बी, प्लस टू बी सी, बी माइनस बी, सी थ्री सी, प्लस टू सी ए, ए है माइनस टू ए. सबको एक्सपेंड किया हमने हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. अब इनके मल्टीप्लाई करते हैं. माइनस टू ए का होल स्क्वायर मुझे फोर ए स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थ्री सी का होल स्क्वायर नाइन सी स्क्वायर. अब हमने करा माइनस प्लस टू ए बी को सॉल्व. हम देखेंगे माइनस टू ए से माइनस बी का माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, माइनस टू कैंसिल हो गया. हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा प्लस में टू मुझे फोर ए बी. आगे में एक माइनस है तो हमारा प्रोडक्ट माइनस में आएगा, टू थ्री या सिक्स बी सी. सिमिलरली यहाँ पे भी एक माइनस है, टू थ्री या सिक्स, सिक्स टू या ट्वेल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स. माइनस ए प्लस सिक्स बी माइनस टू सी का होल स्क्वायर. प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी टू सी. माइनस ए प्लस सिक्स बी माइनस टू सी का होल स्क्वायर. ए हमारे पास माइनस है, बी है सिक्स बी, सी है माइनस टू सी, प्लस टू ए बी माइनस ए मल्टीप्लाई सिक्स बी, प्लस टू सी ए प्लस टू बी सी, बी है हमारे पास सिक्स बी मल्टीप्लाई सी माइनस टू सी, प्लस टू सी ए सी माइनस टू सी और ए माइनस ए. ए स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स बी स्क्वायर, सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू सी का होल स्क्वायर फोर सी स्क्वायर. यहाँ पे एक माइनस है, आंसर आया हमारे माइनस में, टू सिक्स ट्वेल्व ए बी. इनका प्रोडक्ट करेंगे माइनस टू सिक्स ट्वेल्व, ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर बी सी. यहाँ दोनों में माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर आएगा हमारा पॉजिटिव टू टू फोर. सेवन पार्ट. वन प्लस टू एक्स माइनस थ्री वाई होल स्क्वायर. ए प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस प्लस सी. टू एक्स माइनस थ्री वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन स्क्वायर प्लस बी
2n का होल स्क्वायर c माइनस 3c 3y का होल प्लस 2a a की वैल्यू हमारे पास 1 b b की वैल्यू है 2x प्लस b है हमारे पास 2x c c है माइनस 3y प्लस 2c c माइनस 3y a एक्सपेंड किया 1 का स्क्वायर 1 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर दिस इज अ 9y स्क्वायर प्लस 2ab 2 जा 4x प्लस 2bc माइनस है एक टर्म तो हमारा प्रोडक्ट माइनस y 2 जा 4 4 जा 12 xy इसी तरह से यहां पे भी एक टर्म माइनस की है तो हमारा आंसर माइनस में आया है 6 2x minus 4y minus 1 whole square a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus 2ab plus 2bc plus 2c 2x minus 4y minus 1 का whole square is equal to 2x का whole square plus minus 4y का whole square plus c minus 1 का square plus 2a a की value 2x b minus 4y plus 2 bc b हमारे पास minus 4y और c minus 1 plus 2 c minus 1 a 2x 2 to the 4x square plus 16 y square plus 1 इनका प्रोडक्ट करते हैं माइनस में आएगा एक टर्म माइनस है 2 to the 4 4 to the 16 xy यहां दो माइनस है कैंसिल हो जाएगा माइनस तो प्रोडक्ट आया हमारा पॉजिटिव 8y यहाँ एक माइनस है तो प्रोडक्ट आएगा माइनस में 2 4 x